बेरोजगारी के खिलाफ इन लोगों ने, लोगों को दर्द दिया। जो उसको बाप दादा ने दो चार मरलों पे छोड़ा, उसको अब प्रीड, उसको प्रॉपर्टी टैक्स का जुल्म भी सहना है, उसको टोल टैक्स भी सहना है। जम्मू में शराब की दुकान घर घर खोली गई, डबल की गई बीजेपी शासन ने, क्योंकि उन्होंने वादा किया था 370 हटा के कि हम आएंगे तो घर घर शराब की दुकान लेंगे। इसी तरीके से गरीबों का पेंशन, विधवाओं का पेंशन, अपाहिजों का पेंशन, बुजुर्गों का पेंशन सब बंद कर दिया इस सरकार ने। तो मैं यही कहूंगा लोगों से कि आप कांग्रेस को लाओ, कांग्रेस को जिताओ, लोगों को पेंशन भी डबल करेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जो 70 साल नहीं लगा उसको भी दफा करेंगे, और जो प्रीपेड मीटर है जो बीजेपी ने घर घर लगाए हैं इस वक्त, उनको उठा के टिपर में डाल के तभी में फेंक देंगे। आज के प्रदर्शन के बारे में काफी बड़ा, आज हम मीडिया के माध्यम से आप सबको ये बताना है, आज का जो प्रोटेस्ट है हमारा जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, स्मार्ट मीटर जो जम्मू कश्मीर में बिजली डिपार्टमेंट ने लगाए हैं, महंगाई है और जो महंगाई के मुद्दे हैं, जितने भी मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर के उनको लिए हैं। आज बीजेपी ने लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को रुलाना शुरू कर दिया है, गैस के रेट बढ़ा दिए हैं और बिजली जो स्मार्ट मीटर है वो जम्मू कश्मीर की जनता को जरूरत नहीं है, और जबरदस्ती ये चीजें जम्मू कश्मीर की जनता पे थोपी जा रही हैं। हम एलजी गवर्नमेंट और एनडीए की सरकार, सेंटर की गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि इतना जुल्म मत जम्मू कश्मीर की जनता पे बोझ बनाओ, क्योंकि ये जो जनता है इसी ने आपको चुन के यहाँ पे भेजा था, यही जनता आपको वोट देती है, और आज आप इन अलग अलग किस्म के टैक्सेस से, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, मीटर टैक्स हो गया, इनकी वजह से जनता का खून चूस रहे हो। ये नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र को जिंदा रखो, लोकतंत्र को बचाने के लिए आज कांग्रेस पार्टी सारे अपने वर्कर के साथ, अपने लीडरों के साथ रोडों पे है, सड़कों पे है, और जम्मू कश्मीर की जनता के लिए ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। और रिक्वेस्ट है जम्मू कश्मीर की जनता के कि ये कांग्रेस पार्टी का अपना कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये आम लोगों के लिए, जिसमें आम लोगों से भी रिक्वेस्ट की जाती है कि आम लोगों ने भी प्रोटेस्ट में, ऐसे प्रोटेस्ट में आके मिलजुल के साथ देना चाहिए कि ताकि एक अच्छी, बेहतर और अच्छी फैसिलिटियां जम्मू कश्मीर की आवाम को मिल सके। इसी के साथ साथ हम एलजी साहब से भी कहते हैं कि एलजी साहब इन लोगों से इतनी दुश्मनी मत करो, ये आपके अपने लोग हैं, इन पे इतना बोझ मत डालो। ये लोग जो है जम्मू कश्मीर रियासत बहुत खुशहाल रियासत थी और आज भी खुशहाल रियासत बनाने की कोशिश कीजिए, नाट की विभिन्न प्रकार के एक्सपेरिमेंट जो है इस स्टेट गवर्नमेंट पे आके कीजिए, इन लोगों पे कीजिए। ये कानून नहीं कहता कि आप किसी को तंग करो, आप ऐसे टैक्सेस और ऐसे आर्डर जो है जम्मू कश्मीर की जनता पे जबरदस्ती थोप रहे हो जो लोग बर्दाश्त नहीं कर